हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। ये क्वेश्चंस 22 जून के हैं। जल्दी हमारी और भी वीडियो आने वाली है। हमारी नई वीडियोस के अपडेट पाने के लिए स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में गांव को स्टार रैंकिंग दिए जाने की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा हरियाणा राज्य ने। और इस पहल के तहत 7 स्टार ग्राम पंचायत यानी रेनबो योजना आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत राज्य की पंचायतों को 7 सामाजिक मानदंडों के आधार पर स्टार रैंकिंग देने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2018 के लिए चुना गया? तो इसमें आंसर आएगा नासिक के विश्वास मांडली को और मुंबई के योग संस्थान को प्रधानमंत्री योग पुरस्कार के लिए चुना गया है। और 21 जून 2016 को यानी चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग के प्रोत्साहन और विकास के लिए पुरस्कार गठित करने की घोषणा की थी, और आयुष मंत्रालय ने पुरस्कारों के लिए दिशा निर्देशों को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसमें आंसर आएगा वह गुजरात के गांधीनगर में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सदस्यता त्याग दी? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो इसमें आंसर आएगा सिक्किम राज्य का ब्रांड एम्बेसडर AR रहमान को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स की प्रमुख वित्तीय अधिकारी यानी CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय मूल की अमेरिकी महिला दिव्या सूर्य देवरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजम्पशन आइलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले आता है कि इस द्वीप के निकट यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल एल्डेब्रा एटोल अवस्थित है, जहाँ विशालकाय कछुओं की सर्वाधिक आबादी वास करती है। नेक्स्ट है, यह द्वीप मोजाम्बिक चैनल के बहुत करीब है। और नेक्स्ट है, यह मेडागास्कर के उत्तर में स्थित सेल्स के बाहरी द्वीपों से में से एक छोटा सा द्वीप है। तो इसमें आपकी ये तीनों कथन सही है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, अजम्पशन आइलैंड मेडागास्कर के उत्तर में दिखाया गया है और यह अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात सरकार ने गिर राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में एशियाई शेरों को परेशान या अवैध रूप से आकर्षित करने वालों के लिए कितने साल की सजा निर्धारित की है? तो इसमें आंसर आएगा 7 साल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक देव विज्ञान आलोक के लेखक कौन है? तो इसमें आंसर आएगा अग्निव्रत नैष्ठिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने स्वच्छता अभियान के लिए किस गांव को गोद लिया है? तो इसमें आंसर आएगा जगतपुर गांव को गोद लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंदप्रद उद्देश्य के लिए मारिजुआन यानी गांजा को वैध बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसमें आंसर आएगा उरुग्वे। और अभी हाल ही में कनाडा की सरकार ने मारिजुआन यानी गांजा को आनंदप्रद उपयोग को वैध बनाया, और कनाडा ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है, और सबसे पहला देश रहेगा उरुग्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने वर्ष 2018 को किन्हें समर्पित किया है? तो इसमें आंसर आएगा कर्तव्य पथ पर विकलांग हुए सैनिकों को। और सेना ने उन बहादुर दिव्यांग जवानों के पुनर्वास और कल्याण के साथ साथ उन्हें सम्मान देने के लिए यह साल उन्हें समर्पित करने का फैसला किया है। सेना द्वारा ऐसे सैनिकों की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी
जिनके शारीरिक अंग युद्ध में खराब हुए हैं और जिसके चलते वे अपनी नौकरी सेना में पूरी नहीं कर पाए। वर्ष 2018 को कर्तव्य पथ पर विकलांग हुए सैनिकों का वर्ष यानी ईयर ऑफ डिसेबल्ड सोल्जर्स इन लाइन ऑफ ड्यूटी घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान योजना के तहत कौन सा हवाई अड्डा देश का 100वां नियमित सेवा देने वाला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसमें आंसर आएगा पाक्योंग सिक्किम का हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 20 जून 2018 को अपनी पवन और सौर ऊर्जा संबंधी मिश्रित नीति अर्थात विंड सोलर हाइब्रिड पावर पॉलिसी 2018 की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा गुजरात राज्य सरकार ने, और यह घोषणा गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा की गई है, और इस प्रकार प्रदूषण मुक्त स्वच्छ बिजली उत्पादन की दिशा में गुजरात ने एक और ठोस कदम उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा परमाणु हथियारों से जुड़ी रिपोर्ट में किस देश के पास सर्वाधिक परमाणु हथियार बताए गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा रूस के पास। रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास सबसे अधिक 6,850 और अमेरिका के पास करीब 6,450 परमाणु शस्त्र मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किन लोगों को उनके बच्चों से अलग किए जाने की पॉलिसी को विश्व भर के दबाव के चलते बदलने का निर्णय लिया है? तो इसमें आंसर आएगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को उनके बच्चों से अलग न किए जाने के आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेलला वेणु माधव का हाल ही में निधन हो गया, वे निम्न में से किस सेक्टर से संबंधित थे? तो इसमें आंसर आएगा वे विश्व के प्रसिद्ध मिमिक्री कलाकार थे, और उनका निधन तेलंगाना के हनमकोंडा में 85 वर्ष की उम्र में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना सरकार के द्वारा कौन से मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा कोप कनेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पठन पाठन दिवस निम्न में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसमें आंसर आएगा पठन पाठन दिवस 19 जून को मनाया जाता है, और इस अवसर पर पठन पाठन के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में भारत के साथ सतत जल विकास के क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ाने हेतु सहमति व्यक्त की है? तो इसमें आंसर आएगा भारत और तजाकिस्तान ने आर्थिक सहयोग को बढ़ाने विशेषकर सतत जल विकास पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडॉप्ट ए हेरिटेज योजना के तहत हाल ही में कितने नए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसमें आंसर आएगा 4 एमओयू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई के प्रबंध निदेशक बाल सुब्रमण्यम श्रीराम को किस बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसमें आंसर आएगा आईडीबीआई बैंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 72वें सत्र में 2018 से 2028 दशक हेतु निम्नलिखित में से किस विषय की घोषणा की है? तो इसमें आंसर आएगा सतत विकास के लिए जल 2018 से 2028, ठोस कदम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त कौन है? तो इसमें आंसर आएगा वर्तमान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त हैं जिद बिन राद अल हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसेवा इंदर 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच में होगा? तो इसमें आंसर आएगा त्रिसेवा इंदर 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच में होगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी जोन फॉर प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स, और सब्सक्राइब के साथ आप नोटिफिकेशन बेल का भी बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। अब आप हमें
फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक लिंक नीचे दिया हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियोस आप तक फेसबुक के द्वारा भी पहुंच सके।